नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से, इसरो की। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जो है वो रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करी गई है, अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया आप कहीं किसी भी जगह से आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फीस नहीं मांगी गई है, फ्री में आवेदन करना है। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तीसरी अच्छी बात यह है कि सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उनकी जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग जो है वो बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में जो है वो 14/3/2020 को आवेदन शुरू होंगे और हो चुके हैं और 3/4/2020 तक चलेंगे। इसी के बीच में आपको जो है आवेदन करना है। बाकी बात करें दोस्तों पोस्टों की, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डिप्लोमा वालों के लिए रिक्रूटमेंट है, एमई एमटेक वालों के लिए रिक्रूटमेंट है, उसके अलावा जो है वो आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट, उसके अलावा किसी के लिए भी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। और अगर आप और जॉब्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं या और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एमई एमटेक डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इनसे संबंधित किसी भी स्ट्रीम में तो आप इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगे ज्यादा जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा नोटिफिकेशन का, रीड करके अप्लाई कर दीजिएगा। डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फर्स्ट क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा करा हुआ है अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें आईटीआई वालों के लिए, अगर आप फिटर में मैकेनिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में या आपने आईटी से संबंधित जो है वो आईटीआई कर रखी है, चाहे आपने जो है एनसीवीटी से कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10वीं के साथ। अगर आपने जो है 10वीं 10+2 इसके बाद अगर आपने आईटीआई करी हुई है इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी में या जो है वो टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि इससे संबंधित ब्रांचेस में भी अगर आपने करी है तो मौका है आपके पास अप्लाई करने का। उसके बाद प्लम्बर कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इन सभी वाले जो है इनके स्ट्रीम में अगर आपने आईटीआई करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो रिक्रूटमेंट है एमएससी वालों के लिए, एमटेक अगर आपने करी हुई उनके लिए आ रही है क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि सैलरी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो दे रहे हैं। साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर की, फिजिक्स की, एमएससी फिजिक्स वाले आवेदन कर सकते हैं 65% मार्क्स के साथ। साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो कंप्यूटर के लिए एमई एमटेक अगर आपने करी है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जो है वो आईटी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इन फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। बात करें CGPA की तो 6.5 जो है वो होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको लगे कि आपको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, तो आप नोटिफिकेशन रीड करिए। और वैसे भी अगर आपको अप्लाई करना है तो नोटिफिकेशन रीड करिए बगैर अप्लाई मत करिएगा। साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने एमई एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में करी हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मैकेनिकल में जो है वो कही हुई है एमई एमटेक तो भी आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आपकी थर्मल इंजीनियरिंग या इससे संबंधित ब्रांचेस में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चरल के लिए और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एमई एमटेक अगर आपने करी हुई है स्ट्रक्चरल में इंजीनियरिंग करी हुई है, सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन करी हुई है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एमई एमटेक अगर आपने करी हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में 60% मार्क्स के साथ आप इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो जो पोस्ट कोड 1 है यानी कि जो पहले वाली जॉब है एमई एमटेक वाली, उसमें आपको 67,000 पर मंथ तक सैलरी मिल जाएगी। अगर सारे लोग चले जाएंगे प्रमोशंस हो जाएंगी तो 2 लाख तक सैलरी आपकी पहुंच सकती है। पोस्ट कोड 2 से 8 यानी कि आपकी जो है वही एमटेक वाली जॉब के लिए यहाँ पे 56,000 बेसिक आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें डिप्लोमा वालों की तो यहाँ पे 44,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। आईटीआई वालों के लिए जो बेसिक है वो 21,000 है, लेकिन प्रमोशन जब हो जाएंगी तो आपकी सैलरी जो है वो 70,000 के आसपास हो जाएगी। बाकी आपको जो है वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो दी जाती हैं। 3/4/2020 तक आपकी एज 18 से 35 साल तक होनी चाहिए अगर आप 2 से 8 कोड तक अप्लाई कर रहे हैं। जो जो जॉब्स हैं
जिनके पोस्ट बताई गई हैं उनके साथ ही कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पे 18 से 35 साल है, उसके बाद जो है वो 18 से 35 साल दूसरों के लिए और बाकी सभी के लिए ऑलमोस्ट जो है वो एज का क्राइटेरिया सेम रखा गया। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आप 31/8/2020 तक जो है अपना जो सर्टिफिकेट है आप पास कर लेंगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक में फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं ये दोस्तों। अगर आप आईटीआई वाले हैं तो 3/4 यानी कि 3 अप्रैल 2020 तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक वालों के लिए आप जो है 3/8 का वो क्राइटेरिया नहीं है, आपका अप्रैल 3 तक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो है उनके लिए है जो आईटीआई वाले हैं। बाकी दोस्तों जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। 14/3 से आवेदन शुरू है, 3/4/2020 तक चलेंगे, इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो इन नंबर्स पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर ईमेल भी दे रखा है, इस ईमेल पर पता कर सकते हैं आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही तो इनसे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, यही लिखा गया उनकी नोटिफिकेशन में। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप आईटीआई वाले हैं तो फिर तो जरूर आवेदन कीजिएगा, इवन अगर एमई एमटेक वाले डिप्लोमा वाले तो करेंगे, लेकिन आईटीआई वालों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी भी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप की आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरह की रेगुलर जॉब मिल रही है, इसरो जैसे संस्थान में काम करने का मौका मिलेगा। तो मत चूकिएगा ये मौका और अप्लाई जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।